अस्सलाम वालेकुम, सीमा की कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक गिलास कच्चे चावल से बनाऊंगी टेस्टी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली हूँ एक बोल, उसमें हम एक गिलास कच्चे चावल ऐड कर देंगे। अब इसे हम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे, और इसे हम आधा घंटा भिगा कर रखेंगे। तो हम इसे रख देते हैं। अब हम लेंगे 5 मीडियम साइज़ के आलू, इसे हमें छीलना नहीं है, इसे हम छिलके के साथ ही काटेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे काटना है बारीक बारीक। आप चाहें तो काटने से पहले आलू को धो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पूरा आलू काटने के बाद इसे धोऊंगी। 3 से 4 पानी से धोने से ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लंबा लंबा बारीक काट लेना है। सारे आलू मैंने काट ली हूँ। अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे और इसमें हम पानी डाल के रख देंगे ताकि जो हमारे आलू है वो काले ना हो। तो अब आधा घंटा हो चुका है, हमारे चावल भीग चुके हैं। अब हम चावलों को मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। जो मसाले मैंने आपको बताई थी अब वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये मिक्सर के जार में ऐड कर देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने ली हूँ 1 गिलास पानी, आधा हम इसमें डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। चावलों को हमें अच्छा बारीक पेस्ट बनाना है। अब मिक्सर के जार में जो भी बचा हुआ पार्ट है उसमें हम पानी ऐड करके उसे भी मिक्स कर देंगे। अब आलू का पानी जो है मैंने निकाल ली हूँ, उसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास कच्चे चावल से तकरीबन 7 से 8 रोटियां बनके तैयार हो जाती है। तो पूरे परिवार का नाश्ता जो है रेडी हो जाता है। अब जो है इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया आपको 1 मुट्ठी लेना है। हरा धनिया आप थोड़ा ज़्यादा ही लें, इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पीसने से लेकर बैटर बनाने तक मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ करी हूँ। जिस गिलास से हमने चावल को नापा था उसी गिलास से 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा पानी बच गया था, वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस ऑन करेंगे, उसमें हम तवा चढ़ा देंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें हम बैटर ऐड करके इसकी रोटियां बनाएंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलूओं के साथ उठा के अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऐड करके गोल रोटी का शेप दे देंगे। 1 चम्मच मैंने ऐड कर दी हूँ, ये 2रा चम्मच है। गोल शेप देते हुए हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से इसे फैला लेंगे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। अब इसे हम पलट लेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। आप रोटियों को जितना पतला बनाएंगे उतना क्रिस्पी बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो आपको रोटियां ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। दोनों तरफ पलट कर हम अच्छे से सेक लेंगे। तो रेडी है हमारा 1 रोटी बनकर। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दी हूँ। अब उसी तरीके से हम बैटर ऐड करेंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
तो बैटर मैंने ऐड कर दी हूँ। अब इसे भी हम ढककर 5 मिनट से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। चावल की रोटी का ये नाश्ता बच्चे बड़े सबको काफ़ी पसंद आता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेडी है हमारी रोटी चावल की। अब इसे हम शेज़वान चटनी या फिर हम इसे टमाटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम।